नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ श्रद्धा और हैप्पी विलेज में आप सबका स्वागत है। दिवाली अपने साथ ले आती है ढेर सारी खुशियाँ, रोशनी, मिठाइयाँ और नमकीन। आज हम बनाने जा रहे हैं मटरी, जो उत्तर भारत की एक बहुत ही लोकप्रिय और स्वादिष्ट नमकीन है। ये मटरी हम बनाएंगे गेहूँ के आटे और सूजी के साथ और इसे घी में तलेंगे, तो ये स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी है। दिवाली के एक दिन पहले हम गोवंश द्वादशी मनाते हैं, जब हम गाय और बछड़े की पूजा करते हैं। गाय के प्रति हमारा प्यार और कृतज्ञता केवल इस एक दिन के लिए सीमित ना रहके हमेशा के लिए होनी चाहिए। इसीलिए आइए हमारे आसपास की गौशालाओं की मदद करें और प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग कम से कम करें। जब हम ये प्लास्टिक की थैलियां कूड़ेदान में डाल देते हैं तो गाय, भैंस आदि जानवर इन्हें गलती से खा जाते हैं और ये उनकी सेहत के लिए हानिकारक है। रेसिपीज के लिए इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आप यहाँ वीडियो में और नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ये आटा गूंदना शुरू करते हैं। पहले हम गेहूं के आटे में सूजी मिलाएंगे, फिर जीरा, अजवाइन, काली मिर्च और नमक। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। जीरा और अजवाइन स्वाद के साथ साथ डाइजेशन में भी बहुत फायदेमंद है, इसके लिए हम लोगों ने ये मिलाया है। अब इस मिश्रण में हम घी मिला लेंगे और अच्छे से आटे में हमने घी को मिक्स करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं घी अच्छी तरह से आटे में मिक्स हो गया है। अभी हम इसमें पानी मिलाते हुए मटरी के लिए आटा गूंदना शुरू करेंगे। याद रखिए, मटरी के लिए सख्त आटे की जरूरत होती है, पराठे से भी सख्त आटा हमें गूंदना है। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए इसे गूंदेंगे। आटा तैयार हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफी सख्त है। इसे गूंदने के लिए हमें लगा 1/2 कप पानी। अब हम इस आटे को 15 से 20 मिनट के लिए ढककर बाजू में रखेंगे। बीस मिनट हो गए हैं और जैसे आप देख सकते हैं सूजी फूल गई है। अब हम इस आटे को और एक बार गूंद लेंगे। अगर आपको लगता है कि पानी की थोड़ी जरूरत है तो इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं, एकदम थोड़ा सा मिला के इसे गूंद लेना है। मटरी का आटा तैयार है। अब हम इस आटे की छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे और मटरी बेलना शुरू करेंगे। आटे की लगभग 15 से 18 लोइयां हो गई है। इन लोइयों को हम लोग नैपकिन से ढक के रखेंगे ताकि ये सूखे ना, और धीरे धीरे हम लोग एक एक लोई निकाल के मटरी बेलेंगे। घी को हम धीमी आंच पर गर्म करेंगे। इसे बहुत ज्यादा गर्म नहीं होने देना है क्योंकि मटरी के लिए हमें बहुत ज्यादा गर्म घी नहीं चाहिए। जब तक घी गर्म होता है हम बाकी मटरियां बेल लेंगे। लगभग इतनी साइज की हमें मटरी बनानी है। अगर आप मटरी बेलना नहीं चाहते तो इस तरह हाथ पे भी आप मटरी बना सकते हैं। इसे हम फोर्क से इसमें छेद कर देंगे। घी गर्म हो गया है, हम लोग इसे एक बार टेस्ट कर लेंगे। अब हम इसमें मटरियां डाल सकते हैं। हम इन मटरियों को धीमी आंच पर तलेंगे।
अगर आपको लगता है कि घी थोड़ा ज्यादा गर्म हो गया है तो आप कुछ समय के लिए गैस बंद कर सकते हैं। अब सारी मटेरियल तैयार हो गई है, हम इन्हें ठंडा होने देंगे और एयरटाइट कंटेनर में रखेंगे। एयरटाइट कंटेनर में ये 2 से 3 हफ्तों तक अच्छी रहती है। दोस्तों, आप मटरी को चाय, चटनी या फिर अचार के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर इसे ऐसे भी खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो जरूर लाइक बटन दबाइए और हमारे चैनल हैप्पीली वेज को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। दूसरी रेसिपी है बेसन लड्डू। बेसन लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन को भूनेंगे। इसे हम धीमी आंच पर 7 से 8 मिनट के लिए भूनेंगे, जब तक इसका रंग सुनहरा नहीं हो जाता। दोस्तों, मैंने यहाँ मोटा बेसन इस्तेमाल किया है, जिससे हलवाई जैसे दानेदार बेसन के लड्डू बनेंगे और ये खाते समय मुंह में चिपकेंगे भी नहीं। बेसन को लगातार चलाएं ताकि ये जले ना। दिवाली के लिए हमारी बाकी रेसिपीज आप ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। हमने बेसन को लगभग 8 मिनट के लिए भूना है। आप देख सकते हैं इसका रंग हल्का सुनहरा हो गया है। अब हम इसमें घी डालेंगे। घी को बेसन में अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे और 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। बेसन भूनने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और आप देख सकते हैं इसका रंग भी सुनहरा हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे। बेसन और घी के इस गर्म मिश्रण में अब हम डालेंगे पिसी हुई चीनी और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स डालकर मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, मैंने काजू के छोटे टुकड़े किए हैं और बादाम को लंबा काटा है। सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। बेसन के लड्डू बनाने के लिए मिश्रण तैयार है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे और फिर इसके लड्डू बनाएंगे। मिश्रण रूम टेम्परेचर पे आ गया है। अब हम थोड़ा सा मिश्रण हाथ में लेकर इस तरह से दबाते हुए इसका गोला बनाएंगे और फिर दोनों हाथों के बीच घुमाते हुए इस तरह से इसका लड्डू बनाएंगे। दोस्तों, हो सकता है आपको ये मिश्रण थोड़ा ड्राई लगे, पर आप देख सकते हैं इससे बहुत ही अच्छे गोल लड्डू बन रहे हैं। अगर आप इस मिश्रण में ज़्यादा घी डालेंगे तो लड्डू ज़्यादा नरम हो जाएंगे और गोल नहीं रहेंगे। बाकी लड्डू भी इसी तरह से बनाएंगे। बेहद आसान और स्वादिष्ट बेसन के लड्डू तैयार हैं। तीसरी रेसिपी है नमक पारे। नमक पारे बनाने के लिए सबसे पहले आटा गूंद लेंगे। हम हेल्दी नमक पारे बना रहे हैं, इसलिए मैदे के बदले गेहूं का आटा इस्तेमाल किया है। अब हम आटे में नमक और अजवाइन डाल देंगे। दोस्तों, स्वाद अनुसार आप नमक थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अजवाइन को हम हाथों के बीच में रगड़कर डालेंगे, जिससे नमक पारों में स्वाद और ज़्यादा अच्छा आएगा। आप चाहें तो थोड़ा सा जीरा भी डाल सकते हैं। नमक और अजवाइन को आटे में अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम आटे में 4 टेबलस्पून तेल डालकर अच्छी तरह से पूरे आटे में लगा लेंगे। इससे नमक पारे खस्ता बनेंगे। आप चाहें तो तेल की बजाय घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को हमने पूरे आटे में अच्छी तरह से मिला लिया है। आप देख सकते हैं हम आटे को मुट्ठी में दबाएंगे तो ये बाइंड हो रहा है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करते हुए सख्त आटा गूंदेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी ना डालें, वरना आटा ढीला पड़ जाएगा और नमक पारे अच्छे नहीं बनेंगे।
दिवाली के लिए हमारी बाकी रेसिपीज आप ऊपर दी गई लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। नमक पारे बनाने के लिए आटा लगभग तैयार है। थोड़ा सा तेल लेकर हम इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे। दोस्तों, हमें आटा गूंदने के लिए लगभग आधा कप पानी लगा। अब हम आटे को 10 से 15 मिनट तक ढककर रख देंगे। 15 मिनट तक हमने आटे को ढककर रखा था। अब हम थोड़ा सा तेल लेकर इसे एक बार फिर से मसल लेंगे। नमक पारे बनाने के लिए आटा तैयार है। चलिए नमक पारे बनाते हैं। एक तरफ हमने तेल भी गर्म करने के लिए रख दिया है। आटे का एक गोला बनाकर हम इसकी रोटी बनाएंगे। चकले पर और बेलन पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि आटा बेलते समय इनमें चिपके ना। रोटी को सभी तरफ से समान बेलेंगे। इसे बहुत ज्यादा पतला या मोटा ना बेलें। रोटी को हमने हल्का सा मोटा रखा है। अब हम इसमें लगभग 3/4 सेंटीमीटर मोटे कट्स लगाएंगे। अब हम इन्हें दो भागों में बांट लेंगे। आपकी इच्छा अनुसार आप इन्हें और छोटा भी काट सकते हैं। मैंने नमक पारों को लंबाई में थोड़ा ज्यादा रखा है, लेकिन आप चाहें तो चौकोन या डायमंड शेप में भी इन्हें काट सकते हैं। नमक पारों को हम चकले के ऊपर से निकाल लेंगे। दोस्तों, किनारों पे जो आटा बचा है उसे आप दूसरी रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल गरम हुआ है या नहीं चेक करेंगे। आटे का गोला तुरंत ऊपर आ रहा है, मतलब तेल पर्याप्त गरम हो गया है। अब हम इसमें नमक पारे डाल देंगे और उन्हें मध्यम आंच पर गोल्डन ब्राउन रंग आने तक फ्राई करेंगे। दोस्तों, आप इन्हें तलने के लिए घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक पारे गोल्डन ब्राउन मतलब सुनहरे रंग के हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। दोस्तों, आप इन नमक पारों को ठंडा होने दें और तुरंत एयरटाइट कंटेनर में रख दें, जिससे ये ज़्यादा दिनों तक क्रिस्पी रहेंगे। चौथी रेसिपी है ड्राई फ्रूट लड्डू। अगर आपको मीठा खाना है पर चीनी नहीं खानी तो ये ड्राई फ्रूट लड्डू ज़रूर ट्राई कीजिए। लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। सबसे पहले हम खजूर का बीज निकालकर उन्हें दो टुकड़ों में बांट लेंगे। खजूर कट कर तैयार है। अब इसी प्रकार से किशमिश के अलावा बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स को हम मोटे टुकड़ों में काट लेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, ड्राई फ्रूट्स में काफ़ी सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, आवश्यक फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, डायट्री फाइबर इत्यादि। तो ये ड्राई फ्रूट्स लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी है। आप इन्हें हेल्दी स्नैक के तौर पर खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स कट कर तैयार हैं। अब हम एक पतीले में घी गर्म कर लेंगे। गैस को धीमी आँच पर रख कर हम सारे ड्राई फ्रूट्स को 3 से 4 मिनट के लिए सेक लेंगे। इससे लड्डू का स्वाद बढ़ेगा। अब हम इसमें इलायची पाउडर मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
ड्राई फ्रूट सीख चुके हैं, अब हम इन्हें एक प्लेट में निकालकर थोड़ा ठंडा होने देंगे। थोड़े ड्राई फ्रूट्स को लेकर हम इन्हें मिक्सर में पल्स कर लेंगे। ध्यान रखना है कि ड्राई फ्रूट्स थोड़े मोटे ही रखें ताकि लड्डू कुरकुरे बने। इस तरह से अब हम बाकी ड्राई फ्रूट्स को भी इसी तरह से पल्स कर लेंगे। मिश्रण तैयार है, अब हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा मिश्रण लेकर इस तरह से हम लड्डू बनाएंगे। इसी तरह से बाकी लड्डू भी बना लेंगे। पांचवी रेसिपी है मसाला सेव। मसाला सेव बनाने के लिए सबसे पहले हम तेल गरम करने के लिए रख देंगे, क्योंकि हमें बेसन का आटा गूंथते समय उसमें गरम तेल मिलाना है। अब बेसन में मसाले मिला लेते हैं। यहाँ पर मैंने अजवाइन को साफ करके ले लिया है, तो इसमें डालेंगे अजवाइन, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, और हींग। अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस मिश्रण में अब हम 1/4 कप गरम तेल मिला लेंगे और चम्मच से मिक्स कर देंगे। तेल ठंडा होने के बाद हम इसे अच्छी तरह से हाथ से मिला लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करके आटा गूंदना शुरू करते हैं। चपाती के आटे से थोड़ा ढीला आटा गूंदना है। यहाँ पर मैंने 2 कप बेसन के लिए लगभग 1/2 कप पानी का इस्तेमाल किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं आटा लगभग तैयार है, पर थोड़ा चिपचिपा लग रहा है, तो हम इसमें 1 छोटी चम्मच गरम तेल मिलाकर इसे फिर से थोड़ा मसल लेंगे। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं आटा तैयार हो गया है। अब हम इसमें से आधा आटा लेकर हाथ में इसे इस तरह से रोल कर लेंगे। ये सेव बनाने का साचा मैंने ले लिया है, जिसमें मैंने मोटी सेव की जाली डाली है। अब हम इसमें आटा भर देंगे। सांचे को बंद कर लेते हैं। अब हम पिस्टन को दबाते हुए सेव को गरम तेल में छोड़ते जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखिए कि सेव ज़्यादा उलझे ना, वरना ये ठीक से फ्राई नहीं होगी। गैस की आंच को हम धीमी रखेंगे ताकि सेव क्रिस्पी बने। सेव को थोड़ा अलग कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए।
दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेव को तलेंगे। सेव अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, इसमें लगभग 4 से 5 मिनट लगे। अब हम इसे निकाल लेते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो सेव रखने के लिए किचन नैपकिन या स्टील की छलनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ज़्यादा तेल सेव में से निकल जाए। दोस्तों यहाँ पर हमने मूंगफली के तेल का इस्तेमाल किया है क्योंकि इसमें ओमेगा 3, 6 और 9 फैटी एसिड संतुलित मात्रा में होते हैं। हमें खाने में किस तेल का इस्तेमाल करना चाहिए ये जानने के लिए भारत की जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर के वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रही हूँ, आप इसे ज़रूर देखिए। दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। हमारी आने वाली रेसिपीज़ की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के चिन्ह को ज़रूर दबाइए। जैसे कि आप देख सकते हैं मसाला सेव ठंडी होने के बाद काफ़ी क्रिस्पी बनी है, तो आप इसे ज़रूर अपने घर पर ट्राई कीजिए और आपका फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इस वीडियो की आखिरी रेसिपी है मावा गुजिया। सबसे पहले गुजिया के लिए आटा लगा लेते हैं। यहाँ पर मैंने मैदे और गेहूं के आटे का समान मात्रा में इस्तेमाल किया है ताकि हमारी गुजिया और भी ज्यादा हेल्दी बने। इसमें नमक मिला लेते हैं। अब नमक को आटे और मैदे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें गरम घी डालेंगे जिससे गुजिया कुरकुरी और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगी। घी को आटे में अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए आटा गूंदना शुरू करेंगे। दोस्तों याद रखिए हमें पूरी के आटे से भी थोड़ा सख्त आटा गूंदना है। आटा तैयार है, अब हम इसे लगभग आधे घंटे के लिए कपड़े से ढककर रख देंगे। स्टफिंग या कसार बनाने के लिए पहले सूजी को भून लेंगे। स्टफिंग में सूजी मिलाने से मावे का गीलापन कम हो जाएगा और एक अलग स्वाद आएगा। हम सूजी को धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसकी नमी उड़ जाए। अब हम थोड़ा सा घी इस्तेमाल करके मावा को भून लेते हैं। हम मावा लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे। हमने यहाँ पर गैस की आंच धीमी रखी है। लगभग 4-5 मिनट बाद आप देखेंगे कि मावा किनारे छोड़ रहा है और हल्के भूरे रंग का हो गया है। अब हम इसमें भुनी हुई सूजी मिलाकर फिर से 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मावे का गीलापन सूजी की वजह से कम हो गया है। मावा और सूजी को अब एक बर्तन में निकाल लेंगे। मावा और सूजी का मिश्रण ठंडा हो गया है, अब हम इसमें बाकी चीजें मिला लेते हैं। यहाँ पर हम मिलाएंगे सूखा नारियल, पिसी हुई चीनी, ड्राई फ्रूट्स जैसे कि किशमिश, काजू, बादाम, पिस्ता और इलायची पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लगभग 30 मिनट हो गए हैं, अब आटे को फिर से एक बार मसल लेंगे। अब
अब थोड़ा आटा लेकर उसे इस तरह से रोल करेंगे। हम आटे को समान भाग में काट लेंगे और लोइयां बना लेंगे। लोइयों को हम कपड़े से ढककर रखेंगे ताकि वो सूखे ना। अब एक लोई लेकर उसे पूरी के आकार में बेलेंगे। बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलेंगे वरना गुजिया फ्राई करते समय फट सकती हैं। किनारों से हम इस पूरी को बेलेंगे। पूरी तैयार है, अब हम इसमें स्टफिंग भर लेंगे। एक चम्मच स्टफिंग पूरी के बीच में रखेंगे और पूरी के किनारों पर उंगली से थोड़ा सा पानी लगा लेंगे। अब पूरी को फोल्ड कर लेंगे और उंगलियों से दबाकर चिपका लेंगे। दोस्तों, पारंपरिक तरीके से गुजिया को गोट कर तैयार किया जाता है। गोटने के लिए किनारों को इस तरह से दबाकर मोड़ते जाएंगे। ट्रेडिशनल स्टाइल की गुजिया तैयार है। दोस्तों, अगर आपको इस तरह से गुजिया बनाना मुश्किल लगता है तो आप फोर्क का इस्तेमाल करके भी गुजिया बना सकते हैं या फिर शक्करपारा काटने के चम्मच को इस्तेमाल करके भी बड़ी आसानी से गुजिया बनाई जा सकती है। गुजिया बनाकर हम कपड़े से ढककर रख देंगे ताकि ये सूखे ना। फ्राई करने के लिए घी गरम कर लेते हैं। घी गरम हो गया है या नहीं ये चेक करने के लिए आटे का छोटा सा गोला उसमें डालकर देखेंगे। आटा ऊपर आ गया है मतलब घी गरम हो गया है। अब गुजिया को धीरे से घी में डालकर मध्यम आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, घी में तलने से गुजिया बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हो जाती है। साथ ही घी में मौजूद इसेंशियल फैट और अन्य पौष्टिक तत्व हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई। हमारी आने वाली रेसिपीज की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के चिन्ह को जरूर दबाइए। रेसिपीज पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट happilyveg.com को विजिट कर सकते हैं। फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।